तो हाँ जी, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज मैं जा रहा हूँ उज्जैन। अब ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, आप देखेंगे। आई थिंक दो तीन वीडियो आएंगे तो उज्जैन में हम अच्छे से घूमेंगे, क्योंकि आज है फ्राइडे है आज। तो हमारा प्लान है सैटरडे संडे दो दिन घूमने का, और मंडे को हम रिटर्न आएंगे। दो दिन में तो इनफ है, क्योंकि हमारा प्लान तो था ओमकारेश्वर भी जाना, जो वहाँ से उज्जैन से 150 किलोमीटर है। पर फिर क्या होता है, ट्रैवलिंग में इतना टाइम चला जाएगा कि फिर हम इतना घूम नहीं पाएंगे अच्छे से। तो हमने वही डिसाइड किया कि फिर हम दो दिन उज्जैन में रहेंगे और अच्छे से घूमेंगे। और जैसे हरसिद्धि माता है, फिर काल भैरव, तो तीनों मंदिर हम अच्छे से घूमेंगे और देखेंगे अगर आसपास में कुछ और घूमने जैसा मिला तो। और अभी टाइम हो रहा है 9 और हमारे 10:30 का हमारा बस है अहमदाबाद इस्कॉन मंदिर से। तो मैं आपको बता दूं कि टिकट आपको अगर एसी वाला आप कराएंगे तो आपको 1000 का टिकट होगा, अगर आप नॉन एसी कराएंगे तो 600 से 700 के आसपास होगा। मैंने किया था एक्चुअली ट्रेन का टिकट बुक, पर ट्रेन में तो कंफर्म हुआ नहीं, क्योंकि ये हमारा सडनली प्लान हुआ था तो इसलिए उसमें मुझे टिकट मिला नहीं। तो अगर आप वो बुक करते हो ट्रेन का, अगर पहले से करेंगे आप 1 महीना पहले, तो आपको मिल जाएगा टिकट। उसका प्राइस कुछ 750 से 800 समथिंग है, तो 200 रुपये का ही फ़र्क हुआ है। ठीक है, देखेंगे। वैसे भी सुबह तो ये छोड़ ही देंगे, और एसी बस है तो कोई वैसे दिक्कत होने वाला है नहीं। तो अभी फ़िलहाल हम निकलने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी जाने में 1 घंटा तो हमारा लग ही जाएगा और 10:30 का फिर बस है। तो चलिए अभी निकलते हैं, फिर आप बात करते हैं नीचे जाके। मैं हूँ अभी इस्कॉन क्रॉस रोड पे। फिलहाल तो हम आ गए हैं, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि कैब था, पर कैब में अंधेरा था और रास्ते में भी अंधेरा था, तो क्या ही वीडियो बनाया, इसलिए फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया। और गांधीनगर से मेरा प्राइस टैक्सी का लगा है आई थिंक 370 जितना लगा है, हाँ 370, तो 35 किलोमीटर समथिंग है, तो उसका 370 लग गया। रात का टाइम है शायद इसीलिए। ये है यहाँ का क्रॉस रोड, इस्कॉन क्रॉस रोड, ऐसा कुछ नज़ारा है। 10:30 का है हमारा, आधा घंटा लगा है आने में। यहाँ कभी भी आएंगे तो ट्रैफिक तो हमेशा ही मिलता है। बस हमारा शायद इधर ही आने वाला है, तो इधर ही वेट कर रहे हैं। मैं और प्रियंका वेट कर रहे हैं फ़िलहाल, तो अभी कोई दिख नहीं रहा है पैसेंजर, तो धीरे धीरे सब आ जाएंगे, क्योंकि मेन स्टॉप है ना ये, तो यहीं से सब आएंगे। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे और बारिश शुरू हो गया है, तो देखते अभी तो फिलहाल यहाँ पे ऐसी जगह पे हम लोग खड़े हैं, क्योंकि मेन 4 रास्ता है ना, यहाँ कुछ बैठने का है नहीं, और बस आएगा सामने से, ये वाला रोड है ना वहाँ से आएगा, तो इसलिए हमें यहीं खड़ा रहना है। बारिश भी तो चालू हो गया है, बस जल्दी आ जाए, टाइम हो रहा है 10:15 हो रहा है, अभी 15 मिनट और है। वो आ रहा है सर्किट साइड से, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं ट्रैक कर रहा हूँ। तो बस देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते और क्या, फिर अंदर जाके तो बैठना ही है। वैसे भी ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है बारिश, हल्का हल्का ही हो रहा है। देखिए देखिए, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, एक्चुअली अंधेरा है ना इसीलिए। तो अभी सुबह हो चुका है और टाइम हो रहा है 7, अभी यहाँ से 100 किलोमीटर बाकी है। रात को इतना कंटाल गए हम लोग, मतलब रास्ता इतना बेकार, और ट्रेन से एक्चुअली हुआ नहीं था। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप ट्रेन से ही कीजिएगा, अगर ट्रेन में नहीं होता है तो ही आप बस प्रीफर कीजिए, क्योंकि हम बस बुक किए थे, एसी वाला था, सस्पेंशन इतना अच्छा, फिर भी रोड इतने घटिया है कि कमर दर्द हो गया। वैसे भी मेरा कल से कमर दुख रहा है, तो फिर भी अभी देखते हैं 7 बजे कब तक छोड़ेंगे, अभी होटल बुक करना बाकी है मेरा। मैं बता देता हूँ बस कुछ हमारा कैसा है। तो ये वाला बस था हमारा, एसी वाला था, रॉयल स्टार करके था, 1000 इसका प्राइस था। ये कुछ ढाबा है यहाँ पे, बाथरूम है यहाँ पे, ठीक है, मिला जुला के ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, चाय वाय मिलेगा ज़्यादा, नाश्ते में भी कोई ऑप्शन नहीं है। पर अभी 100 किलोमीटर बाकी है, तो उज्जैन पहुँचने के बाद ही हम कुछ खाएंगे। कुछ गांव वाला एरिया है, मेन रोड है ये। भैया एक चाय करो। एक चाय कितना, एक का ऑनलाइन कर देते हैं, फिर बाद में लेना। रखिए रखिए, नहीं उसका असर खत्म कर देगा। पहले चाय पी लो, चाय पी के फिर गोली लेना, पहले चाय पी लो उसके बाद गोली लेना। अरे पी लो, पहले चाय पी लो, उसके बाद गोली पी लो। कर दिया ऑनलाइन, ऐसा कुछ बस है, पूरा अंधेरा ही अंदर, तो सब सुबह
रहा है ना इसीलिए। तो अभी मेरा हालत देख के आपको लग सकता है कि हम कल रात से बस में बैठे थे और अभी यहाँ पे होटल हमने ले लिया है। मैंने बस में आते आते ही बुक कर लिया था क्योंकि यहाँ आने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही प्राइस भी बताएंगे और इतना पब्लिक है मैंने देखा रास्ते में आते आते। और मैंने होटल लिया एग्जैक्ट मंदिर के सामने लिया है ताकि आपको इधर उधर जाने का ज़रूरत नहीं है ना ऑटो लेना पड़ेगा। यहाँ टोटो भी चल जाता है ऑटो भी चल जाता है। बस ने हमें जहाँ हाईवे पे उतारा था वहाँ से मुझे ये होटल तक आने के लिए मतलब मंदिर के पास में ही है जो महाकालेश्वर मंदिर है उसके पास में ही होटल लिया है तो 100 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किया है। तो आप भी आइए तो थोड़ा बार्गेन कीजिएगा। 150 बोल रहे थे पर मैंने 100 उनको बोला तो उन्होंने फिर 100 में मान गए ठीक है। और फिर हमने होटल ले लिया। मैं बताता हूँ यहाँ पे बहुत सारा होटल है पर प्राइस कुछ ज़्यादा ही है तो मैंने अपने बजट में आए वैसा होटल बुक किया है। छोटा ही है पर ठीक है। तो ये कुछ रूम है यहाँ पे, छोटा ही रूम है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये छोटा सा अलमारी जैसा दिया है अगर कुछ रखना है तो। एक डबल बेड है, बाथरूम है, एसी है, टीवी है, ज़्यादा कुछ है नहीं पर ठीक है। हमें ज़्यादा तो वैसे भी रुकना नहीं है क्योंकि हम तो फ्रेश होंगे उसके बाद फिर निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ 2-3 मंदिर है जैसे हरसिद्धि माता का है, फिर काल भैरव है, फिर महाकालेश्वर है तो ये इसी में हमारा दिन निकल जाएगा। तो रात को सोना ही है इसीलिए ज़्यादा महंगा लिया नहीं है। ये मुझे पड़ा था आई थिंक अराउंड ये कुछ 1800 के आसपास हुआ था। तो अगर आप ही बुक करते तो देख लीजिएगा, ज़्यादा प्राइस अगर दिखाता है तो अवॉइड कीजिए, बाकी बजट में आपके मिल जाएगा। चलिए फिर ऐसा हो तो मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर जब बाहर निकलते हैं ना मार्केट में तब आपको दिखाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम निकल गए हैं और ऐसा कुछ मार्केट है यहाँ पे ज़्यादातर पूजा का ही सामान वाला शॉप है। नहा धो के तो हम निकल गए हैं और मैंने और प्रियंका ने मैचिंग किया है, मैंने भी ग्रीन पहना है, इसने भी ग्रीन पहना है। बस यहीं से जाना है सीधा मंदिर की तरफ, पास में ही है। यहाँ कुर्ते भी है, देखेंगे लेने जैसा लगेगा तो। बाकी ये सब ऑटो रिक्शा स्टैंड है, अगर आपको इधर से कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं। मोबाइल वोबाइल थाई करके ले जाना, आधे पौन घंटे में आ जाओ। ये मंदिर है, यहाँ से जाना है सामने मंदिर है। तो फिलहाल तो हम लोग आए हैं, अभी देखते हैं खा लेते हैं थोड़ा कुछ, नाश्ता कर लेते हैं, फिर खाना तो दोपहर में है, पहले नाश्ता करेंगे उसके बाद फिर मंदिर चलते हैं थोड़ा दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा कुछ है नहीं। देखिए पोहा 20 रुपया, समोसा 20, चाय 20, मतलब ठीक है, खाना मिला जुला के खाना तो मिल जाएगा। ये भी है कुछ ऐसा रेस्टोरेंट है, मंदिर के पास में ही है क्योंकि बिना खाए तो कैसे घूम सकते हैं। तो पहले थोड़ा नाश्ता कर लेंगे तो क्या है दोपहर तक अपना चल जाए। अभी टाइम हो रहा है 11:30, ना धो लिया है, थोड़ा फ्रेश हो गए और एसी वाला रूम लिया था पर ठंडी यहाँ पे इतना है कि एसी का ज़रूरत ही नहीं है और पानी भी गर्म आ रहा है तो मज़ा आ गया, थकावट दूर हो गया है कल रात का। तो अभी थोड़ा नाश्ता करेंगे फिर थोड़ा गाय देखते हैं। पहले यहाँ पे तो सामने ही है महाकालेश्वर तो वहीं चलते हैं और उसके बाद दूसरी जगह देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या सिस्टम है ना, आपको पैसा देके भी VIP लाइन में जा सकते हैं आप। तो देखते हैं हम अगर क्या नॉर्मल लाइन में जाते हैं या फिर VIP में जाते हैं। पोहा कुछ ऐसा आया है, ये 20 रुपये का है पर अच्छा है, टेस्ट अच्छा है इसका। चाय भी मंगाया है, भैया को बोला है चाय भी ला दीजिए, पोहा और चाय, फिर देखेंगे कुछ मंगाने जैसा कुछ हो तो। मुझे ये साइड वाला मत कीजिए। तो हमने टीका लगवा दिया है और ये भैया को बोला था पर उन्होंने प्राइस तो नहीं बताया, उन्होंने बोला कि आपको जो मन से देना है दे दीजिए। तो मैंने और प्रियंका ने कराया है। तो अगर आप भी जो आते हैं जो अंदर गली में से जो गेट है ना वहाँ पे ये भैया खड़े होते हैं तो वहाँ से आप करा दीजिएगा। चलिए चलते हैं अंदर,
जो छांव में चप्पल वगैरह आपका अंदर चले। यहाँ पे प्रसाद के लिए आए हैं तो यहाँ पे ही जूता रख देते हैं। यहाँ पे बहुत सारा शॉप है, यहाँ से ही ये शॉप से ही। कितना भैया इसका? 210। नहीं इतना सारा नहीं चाहिए। एक प्रसाद मंदिर में रखा जाएगा, घर के लिए नारियल नहीं चढ़ता, यहाँ पे नारियल के स्थान पर एक प्रसाद चढ़ जाएगा और एक आपको मिल जाएगा जो सुबह 4 बजे भस्म आरती था, इसका भस्म मिला के देंगे सूखे प्रसाद के अंदर, हाथ में नहीं देते पंडित आने के बाद। क्या? हाँ एक प्रसाद अंदर चढ़ जाएगा, एक आपको मिल जाएगा, एक हमें देंगे एक अंदर ले लेंगे, अंदर ले लेंगे नारियल के स्थान पर मंदिर के अंदर चढ़ तो इसमें कुछ कम नहीं है क्या भैया? ये मंदिर का दुकान है, भले आप रेट तलाश करने के बाद दे देना, आने के बाद पैसे, इससे कम में कोई दे देना, भले आप पैसे मत देना, ये महाकाल बोल के चलते। ये प्रसाद हमने लिया है, ठीक है ये प्रसाद हमने लिया है यहाँ से ही, तो ये 210 रुपए का है, उसमें दो है ना, तो ये दो में से एक अंदर ले लेंगे और एक हमें दे देंगे। धूप है, धूप में पांव जल रहे है, ये सारा शॉप है। ए छोटू ये सारे प्रसाद के शॉप है, छोटे बड़े जो भी चाहिए, फोटो वोटो भी है यहाँ पे। तो अच्छा थोड़ा आगे से है, धूप है ना तो पांव जल रहा है। तो थोड़ा चलना है अभी हमें, तो प्रसाद ले लिया है पर अभी थोड़ा चल के जाना पड़ेगा, गेट थोड़ा दूसरी तरफ है एक्चुअली, दो तीन गेट है ना इसीलिए भीड़ भी काफी है। कुर्ता भी है, देखते हैं कुर्ता लेने का सोचेंगे एक बार, क्योंकि दो दिन है ना तो दो दिन पहनेंगे तो भी पैसा वसूल हो जाएगा अपना। तो प्रसाद प्रसाद और कोई शॉप ही नहीं है प्रसाद के अलावा, प्रसाद और रुद्राक्ष दो ही है। ये लिखा है का पेड़ आ गया। फ्री वाला अगर जाना है ना तो आपको ये वाले गेट से जाना पड़ेगा, और जिससे पहले मैंने गेट बताया वो था आपका वीआईपी वाला, जिसका टिकट है 750 रुपए। लड्डू का प्रसाद लेना है ना तो इधर गेट है, उसके बगल में ही है ये, तो 100 ग्राम का 50 रुपया, 250 का 100, 500 का 200 और 1 केजी का 400 रुपये है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं लेके, फिर ये गेट से एंटर हो जाइए।
वो कह रहा था आगे निकलो, तो मैं ये प्रसाद कौन देगा, मैं आप निकल जाओ, तो बोले मुझे देना है, तो मैं मुझे नहीं देना है। चलिए आप ही जाते हो।